प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान अयोध्या का रंग आज कुछ बदला सा दिखा। हिंदुओं में शुभ माने जाने वाले पीले रंग से उस रास्ते की दुकानों को रंग दिया गया है जहां राम मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम होना था। वहीं इस अवसर पर देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी लोग अपने अपने स्तर से खुशियाँ मना रहे, तो वहीं इसका असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है जहाँ लोग राम मंदिर से जुड़े तमाम तरह के पोस्ट शेयर कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर राजधानी पटना में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मौके पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन काफ़ी उत्साहित नजर आए। उन्होंने इस मौके पर आज शाम में लोगों से दीपक जलाने की अपील की है, तो वहीं इसके लिए उन्होंने लोगों के बीच दीपक का वितरण किया। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन और इसका पूरा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। देखिए, आज 5 अगस्त का वो शुभ दिन है जो 492 साल की जो सांस्कृतिक हमारी गुलामी थी उससे आज़ादी मिली है। 1947 में महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया था। आज नरेंद्र मोदी ने इस देश में सांस्कृतिक आज़ादी मिली और इस देश में राम राज्य की स्थापना हो रही है। निश्चित रूप से आज का भूमि पूजन देश में राम राज्य की स्थापना की पटकथा लिखेगा और तमाम देशवासी, विश्व में रहने वाला हर हिंदू निश्चित रूप से आज गौरवान्वित है कि आज भारत को उसकी पुरानी विरासत मिली, पुरानी सांस्कृतिक विरासत मिली और नरेंद्र मोदी जी ने 492 वर्षों की कोड़ को खत्म करके आज अयोध्या में फिर से राम जी को लौटाने का काम किया। देखिए आप साफ तौर से देश में देखने को मिल रहा है। ठंडा दिया खाली, बस वही चलिए, बस ज्यादा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया भीड़ मत लगवाइएगा, झंडा उधर है, झंडा है गाड़ी। गोपी जी के तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए News 1 11 के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।